फाइनली एंट्री टिकट ले चुका है एंड एक आदमी का 30 है एंड हम लोग का 4 जन है। तो क्या है बोलो, पूरा था गया हम तो पूरा आप है ना, ये था नींद इसलिए पूरा क्या राशि भी ज्यादा मोटा नहीं है। कंप्लीट हो गया गाइस, कंप्लीट फाइनली, वेल डन। राइट गाइस, फाइनली यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ब्रो का रूम पे बैठा था तो थैंक यू ब्रो, बहुत ही अच्छा से वेलकम किया। तो अभी यहाँ से फटाफट निकल रहा है एंड अलग डेस्टिनेशन जो एक जगह है वहाँ पे जा रहे हैं। तो लेट्स मूव गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदरगुरी। सो राइट नाउ फाइनली वी आर इन उदरगुरी। सो मेरे भी यूट्यूब चैनल में नए आए तो आई एम पिंकू पाइंग, आई एम 18 इयर्स ओल्ड, लिविंग इन तेजपुर। आप हम आई बिलोंग टू मिसिंग ट्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आगे जा रहा है मेरा दोस्त अरफान ब्रो एंड उन लोग का घर पे स्टे किया था तो बहुत ही अच्छा था, उन लोग को वेलकम किया तो थैंक यू ब्रो, बहुत ही अच्छा मतलब सोने का जगह दिया है एंड बैठने का एंड खाने का पीने का पूरा इंतजाम किया। तो गरम पानी तक किया यार, कसम झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ही अच्छा लगा भाई का घर पे बैठ के एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ में ब्रो? पुरबारी। तो पुरबारी एक पार्क है तो वहाँ पे आप लोग को लेके जा रहा है, इसका पता डायरेक्ट वे टू तेजपुर। तो तेजपुर हम लोग निकल जाएगा बाद में, अभी पुरबारी में जाएगा, एक लोकेशन है बहुत ही सुंदर सा लोकेशन है बोलते हैं। तो वहाँ का व्यू नज़र अभी एक्सप्लोर करके, उदरगुरी एक्सप्लोर करके देखेगा। एंड कल आप लोग देखा होगा जो मेरा जो भैरव कुंड एक्सप्लोर किया था, तो फिर अभी आप लोग को पुरबारी में आप लोग को दिखाएगा। तो जगह कितना भी अच्छा होगा तो एक्सप्लोर करके देखेगा उदरगुरी। तो एक दोस्त को भी मिलना है तो फ़ोन किया था, वो फोन ऑफ ग्रो, तो उसको भी मिल के जाएगा। बहुत दिन हो गया तो हम लोग नहीं मिला है, तो एक ही क्लास में था, 2 साल हो ही गया था मतलब नहीं मिला नहीं देखा, तो आज मिल रहे उदरगुरी में। अभी टाइम बज रहा है 9:48, तो हम लोग आराम से तेजपुर 2 बजे तक पहुँच ही जाएगा थोड़ा एक्सप्लोर करके ना। तो टाइम बज रहा है 9:48, तो वहाँ तक जाने से फिर मैक्सिमम यहाँ से 20 किलोमीटर जैसे होगा साइड पुरबारी तक। एंड लेट्स सी क्या होता है ना आज का ब्लॉग पे, एंड जितना भी हो सके आप लोग को नज़रा दिखा के जाएगा। तो लेट्स सी, ये जो है सबसे उदरगुरी बड़ा सा कॉलेज है एंड ब्रो जो यहाँ पे पढ़ते हैं उदरगुरी में, आप लोग सेवा कर सकते हैं, बहुत ही ऑसम है यार उदरगुरी कॉलेज। तो नज़रा चेकआउट करो उदरगुरी का नज़रा कॉलेज का। हे ब्रो, हाय बोल दो। हाय गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम 2 साल का बाद ब्रो को मिल रहे हैं यार उदरगुरी में अभी। बाय बाय, मिलते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो फाइनली निकल चुका है, दोस्त को मिल के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिन मतलब 2 साल हो ही गया था, एक ही क्लास में था तो वो उदरगुरी में पढ़ रहा है, हम लोग तेजपुर में। हम लोग बोलता था ना एक ही कॉलेज में जाएगा यार, होता ही नहीं भाई, कॉलेज लाइफ ना स्कूल का लाइफ का जैसे नहीं होता है, जो कॉलेज में अभी पहुंच रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गया टाउन पे, उदरगुरी टाउन दोस्तों में बहुत ही अच्छा है। कल हम लोग यहाँ पे आया था बट अभी यहाँ पे जाना पड़ रहा है, हरसिंगा में जाना पड़ेगा वन राइट जो स्कूल जो है का। हम लोग अभी बोडोलैंड रिजोर्ट में जा रहे हैं, तो उदरगुरी बोडोलैंड रिजोर्ट। तो यहाँ से कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, तो ज़्यादा नहीं है, 12 किलोमीटर है। लेकिन ना जो भी बोलो यहाँ पे बहुत स्पीड ब्रेकर बनाता है यार, अच्छा तो अगर आप लोग भी ना बाइक राइडिंग करेगा यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल स्लो जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्पीड ब्रेकर है। जब से मैं उदरगुरी में आ रहा है ना, स्पीड ब्रेकर यार क्या ही बोलो। तो
वो भी अपना सेफ्टी के लिए ना, ज़्यादा अगर बाइक स्पीड चलाएगा तो फिर एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये रिस्की बेकर लगा बिकॉज आना आदमी के लिए ना बहुत रिस्की है, आराम से जाना पड़ता है नहीं तो फिर एक्सीडेंट वगैरह होगा ना, स्पीड बेकर बिना देखे और जाएगा तो। तो गाइस वी आर गोइंग बोडोलैंड रिजोर्ट, जो बोडोलैंड रिजोर्ट है उदरगुड़ी का। गाइस मेरा जीप 200 को भी सर्विसिंग करना है, सर्विसिंग का वार्निंग देकर है अभी तो, और 500 किलोमीटर आराम से जा सकेगा, तो आप लोग का जसपुर तक मैक्सिमम 150 किलोमीटर होगा यहाँ से उदरपुरी से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जसपुर में जाके जो भैया का ड्रेस से डायरेक्ट लेके जाके करवा देगा। भाई साहब क्या ही बोलो, बस्ती का अंदर में इतना अच्छा सा मतलब रास्ता बना के रखा है ना, यही बोलो बहुत औसम लगता है। एंड बस्ती का अंदर में राइड करने वाला भी बहुत अच्छा लगता है, बस्ती का अंदर में क्या है क्या है देख के जाना पड़ता है, तो रास्ता रास्ता में जाना ट्रिप नहीं होगा, तो बस्ती का अंदर में भी जाके एक्सप्लोर करना है जो बोगल रूप, तो उधर को आना से प्लीज आप लोग भी जरूर बोडोलैंड रिजोर्ट देख के जाओ, बहुत ही अच्छा है वहाँ के लिए साइड में पूरा खेती का प्लेस है और ये साइड में जंगल है। ऐसे क्या ही बोलो, बहुत रास्ता ओसम लग रहा है यार कल रास्ता जो, ओ माय गॉड, मतलब छोटा सा रास्ता है जो डायरेक्ट बोडोलैंड रिजोर्ट पे जाता है ये रास्ता, ऑस्टन लग रहा है ऑस्टन, ओ भाई रास्ता देखो भाई जंगल का बीच में ये छोटा सा रास्ता, गाइस फाइनली वी आर एंटरिंग बोडोलैंड रिजोर्ट, सो यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर, वो साइड में पहाड़ है गाइस क्या ही बोलो ऑस्टन लग रहा है, तो यहाँ से 1.4 किलोमीटर गाइस एंड ये ऑफ रोड रास्ता है यार, चेक आउट कर सकते हैं आप लोग ये रास्ता को, ओ भाई ओ। तो फाइनली पहुंचने वाला है हम लोग बोडोलैंड रिजोर्ट पे, अंदर बहुत क्या है वाला कुत्ता लोग रास्ता में बैठते हैं भाई, तो फाइनली वी आर एंटरिंग बोडोलैंड रिजोर्ट ना राइट में हा? तो यहाँ पे पोस्टर दिया है बोडोलैंड रिजोर्ट टूरिज्म, तो पहुंचने वाला है एंड वो साइड में पूरा पहाड़ एरिया है यार, जो आप जितना भी हो सके हम लोग एक्सप्लोर करके जाएगा उदरगुड़ी एंड लेट्स सी बोडोलैंड रिजोर्ट को देख के डायरेक्ट निकल जाएगा हम लोग तेजपुर, तो तेजपुर का एपिसोड अलग होगा, तो ये बोडोलैंड रिजोर्ट का एपिसोड अलग होगा। Finally, we are in a Bodoland resort. So, Bodoland, ये क्या है tourism? टिकट देना पड़ता है क्या ना? हाँ? नहीं यहाँ पे नहीं होगा। बाहर में रखेगा क्या? हाँ, हाँ। तो फाइनली वी आर एंटरिंग बोडोलैंड रिजोर्ट पे, एंड ऑसम लग रहा है पहाड़ एरिया है सब, एंड बाहर में बाइक पार्किंग कर लेगा, तो लेट्स सी। अच्छा लग रहा है तो वहाँ आगे जाएगा ना थोड़ा,
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बोडोलैंड का जो टूरिज्म गेट है, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ओसम से बना के रखा है एंड दो साइड में मतलब पेड़ से बनाया है ना, पेड़ पौधे से, तो ओसम लग रहा है। तो यहाँ पे वेलकम ना, ये क्या वेलकम है ना, वेलकम। तो आगे जाएगा पहाड़ एरिया है, पूरा ऊपर ऊपर तक पहाड़ है एंड बहुत ही अच्छा से छोटा छोटा घर बना के रखा है। तो आगे में जाके तो आप लोग को थोड़ा व्यू नज़ारा दिखा के यहाँ से निकल लेगा फिर लस्सी। हम लोग आ चुके हैं ये बोडोलैंड रिजॉर्ट पे एंड बहुत ही अच्छा है, ऑसम लग रहा है यहाँ पे आके। एंड ये जो है यहाँ पे मतलब एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले एंट्री करेगा यहाँ पे भैया, एंट्री टिकट ले चुका है एंड एक आदमी का 30 है एंड हम लोग का 4 जन है। तो 4 जन में हम लोग को डायरेक्ट पूरा पूरी 100 रुपये लिया है एंड देने वाला को भी थैंक यू। एंड नज़र आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ऑसम है यार। राइट गाइस, फाइनली वी आर इन अ बोडोलैंड रिजॉर्ट। तो ये मतलब रिजॉर्ट जो ना नया बना है 13 जुलाई में बनाया है, तो 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अब हो गया, तो अभी 1 साल होने वाला है, बस 1 साल होने वाला है। तो हम लोग आगे में जाएगा, तो आगे का व्यू नज़र अभी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सके। तो लास्ट हम लोग का बाइक वहाँ पर पार्किंग है, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा इतना दूर क्या ही बोलो, बोट हाफ है ना ये रास्ता, जो बोट हाफ है ऊपर है ना पूरा ठग गया यार क्या है बोलो, पूरा थक गया हम तो पूरा हाफ है ना ये टर्निंग जो, इसलिए पूरा क्या ये जो है होटल है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं आंधा, अभी तो फिलहाल बंद है। तो हम लोग इतना ऊपर हो के ये अभी नज़ारा चेकआउट करो गाइस। जो जो बोडोलैंड रिजॉर्ट पे आए तो एक बार कमेंट कर दो यहाँ पे कैसा लगा आंधा आके ना। तो यहाँ पे तो बहुत ही ओसम है यार, आंधा ऊपर में पहाड़ एरिया है भाई, तो गिर गया रे अच्छा से संभल के, बहुत डेंजर है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो जरूर यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेगा एंड यहाँ पे भी कैंपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग जरूर नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे कैंपिंग करके हम लोग स्टे करेगा। दो दो हम तो अकेला ही 2 क्विंटल है इसलिए डर लग रहा था। ये देखो गाइस, पूरा आर्मी ट्रेनिंग संभल के भाई, संभल के गिर जाएगा पूरा चढ़ रहा है, राशि भी ज्यादा मोटा नहीं है। कंप्लीट हो गया गाइस, कंप्लीट फाइनली, वेल डन। वीडियो कर रहा है, हिल रहा है। एंगिंग ब्रिज, एंगिंग ब्रिज से भी डेंजर है तो पूरा। नहीं टूटेगा, इतना बड़ा रस्सी है। गाइस ये बोडोलैंड रिजॉर्ट जो बहुत ही ऑसम है, बिल्कुल आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ जाओ, बहुत ही अच्छा है यार क्या ही बोलो। एंड ये बहुत ऊंचा है यार, बहुत ऊंचा में हम लोग आए हैं, पहुंच गया यार। तो आप लोग को यहाँ का नज़ारा दिखाएगा तो नीचे कैसा है ना, तो लेट्स सी। ये घर देख रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग का मेरी ट्रेडिशनल घर जैसे लग रहा है।